गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सिक्स क्लास। देखिए आज अपन पढ़ेंगे सबक नौ। आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबक नौ। सबक नौ के अंदर आज अपन पढ़ेंगे जज़्म। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जज़्म। देखिए आपने पहले भी देखा होगा जज़्म, और आज भी अपन देख रहे हैं जज़्म। तो जज़्म का मतलब होता है एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ना। जज़्म का मतलब क्या होता है? एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ जब जोड़ते हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है पहले वाले हुरूफ को जिसके ऊपर जज़्म लगी हुई है उस हुरूफ को पहले वाले हुरूफ के साथ जोड़ना हो जाता है। देखो अलिफ बे अब और रे साकिन अब्र, क्या हो गया? अलिफ बे जबर अब और रे साकिन अब्र। फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो देखिए फिर क्या होता है, उर्दू के अंदर जंगी जंगी जबर जेर पेश नहीं आता है। अपन को दिमाग से खुद को ही लगाना पड़ता है। ना जबर होता, ना जेर होता, ना पेश होता, इसमें कोई मात्राएं नहीं होती। ना ई की मात्रा, ना ऊ की मात्रा, ना आ की मात्रा, ना काई की मात्रा। तो देखिए इसमें किसी की भी मात्राएं नहीं होती। अपन को डायरेक्ट दिमाग से लगा कर पढ़ना पड़ता है, और इस तरीके से पढ़ना पड़ता है कि जो लफ्ज़ अपन बोलने जा रही है वो सही होना चाहिए। इसमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं। तो देखिए ब्रिज क्या है? ये ब्रिज क्या है? ये ब्रिज। फिर ये क्या है? बख्त। तो बे को खे के साथ मिला दिया, बख्त। फिर क्या है? पे को सीन के साथ मिला दिया, क्योंकि पहले वाले हरूफ के साथ मिला रहे हैं। तो देखिए पस्त। फिर ये क्या है? तख्त। ते को खे के साथ मिला दिया, तख्त। ये क्या हो गया? तख्त। ते खे तख और ते साकिन तख्त। ते खे और ते तख्त। ते खे जबर तख और ते साकिन तख्त। फिर जीम को शीन के साथ मिला दो, जश्न। जीम शीन जबर जश और नून साकिन जश्न। नून अकेला पढ़ा जाएगा, जश्न। खर्च, खे रेजा खर और चे साकिन खर्च। चे रेजा चर, खे रेजा खर और चे साकिन खर्च। क्या हो गया? खर्च। फिर क्या हो गया? दर्द। क्या हुआ? दर्द। क्या हो गया? दाल या दर और दाल साकिन दर्द। जर्द, जाल को रे से, जे को रे से मिलाएं। देखिए पहली वाली क्या है? जे है, दूसरी वाली रे है, और लास्ट वाली दाल है। जर्द, जे रे जा जर और दाल साकिन जर्द। फिर सख्त, से खे जा सख और ते साकिन सख्त। फिर क्या हो गया? सख्त। सिन जा सा रे वापिस शुरू, शुरू। क्या हो गया? शुरू। देखो वाव के ऊपर लगी हुई है जज़्म, छोटी सी हुई लगी हुई है। सरू, सर्द है ये, सर्द। सरू नहीं, सरू यही सरू। फिर है सुर्ख, से रे पेश सुर और खे साकिन सुर्ख। क्या होगा? से रे पेश सुर और खे साकिन सुर्ख। फिर दोस्त, दोस्त। क्या हो गया ये? दोस्त। दुरुस्त। फिर क्या हो गया? दुरुस्त। फिर क्या हो गया? दश्त। क्या है? दश्त। फिर क्या है ये? दरख्त। दाल रे खे ते दरख्त। तो देखिए अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। देखिए अब्र, ब्रज, ब्रिज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। अब्र, ब्रिज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सर्द ये रे के ऊपर इन्होंने गलती से लगा दिया है इस पे, नहीं तो ये वाव नहीं, तो ये सर्द ये। फिर सुर्ख, फिर दोस्त, फिर क्या है? दोस्त। फिर दुरुस्त, ये दोस्त है और ये दुरुस्त है। दस्त,
दरख्त क्या है? दरख्त क्या है? दरख्त, दरख्त का मतलब क्या होता है? पेड़। दरख्त का मतलब क्या होता है? पेड़। तो देखिए, अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च, दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। फिर देखिए, दोस्त, दृष्ट, दस्त, अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। फिर दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। दोस्त, दृष्ट, दस्त, दरख्त। देखिए, अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, शेर सर और दाल सकिन सर्द, सुर्ख। दोस्त, दृष्ट, दस्त, दरख्त। फिर देखिए, सिक्स क्लास, आपको इसको लिखना भी है। कितने टाइम लिखना है आपको? 3 टाइम लिखना है। कितनी टाइम लिखना है? 3 टाइम आपको इसको लिखना है, और आपको इसको लिखकर ही याद करना है। तो देखिए, फिर देखिए एक बार, अब्र, ब्रिज, बख्त, पस्त, जश्न, खर्च। देखिए, अब्र क्या है? पहला अब्र, फिर ब्रज, फिर बख्त, फिर पास्त, फिर तख्त, फिर जश्न, फिर खर्च, फिर दर्द, फिर जर्द, फिर सख्त, फिर सर्द, फिर सुर्ख। दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। फिर देखिए, दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। देखिए, दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। देखिए, अब्र, ब्रज, अब्र, ब्रज, वक्त। देखिए, अब्र, ब्रज, वक्त, पास्त, तख्त, जश्न, खर्च। अब्र, ब्रज, वक्त, पास्त, तख्त, जश्न, खर्च। दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। दोस्त, दृष्ट, दस्त, दरख्त। दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। देखिए, अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। अब्र, ब्रज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। दर्द, जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। फिर देखिए, अब्र, ब्रज, ब्रिज भी कह सकते हैं इसको, ब्रज भी कह सकते हैं, ब्रिज। अब्र, ब्रिज, बख्त, पस्त, तख्त, जश्न, खर्च। फिर दर्द,
जर्द, सख्त, सर्द, सुर्ख। फिर एक दोस्त, दुरस्त, दस्त, दरख्त। सिक्स क्लास, ये था अपन का सबक नंबर 9, पेज नंबर 33। तो देखिए, आपको इसको 3 टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है और